तो हेलो गाइस, वापस आ गए आप नए बोरिंग सादे सुधे वीडियो में। तो खुश रहिए और हैप्पी रहिए और कुछ नहीं। तो हाँ, आज का टॉपिक है मेरा क्रश। क्रश, यस, माय क्रश। तो एक मिनट लिखते लिखते बताओ कि डायरेक्ट लिख। इसीलिए मैंने क्या आज पूरे दिन सैड सॉन्ग सुनते सुनते नहीं क्या प्रैक्टिकल कर रहा था। ये देखिए, तो गाइस बहुत दुख के साथ बोलना पड़ना है, मेरा क्रश है, मगर कौन है ये पता नहीं था आपको। मेरा क्रश मतलब मैं पूरा मतलब पूरा टाइम मेरे क्रश को ही देता हूँ, फिर भी मुझे हाँ गाइस, बंटा है हटेला है, समझा क्या लाला। तो एक बात बताना भूल गया मैं। मैंने आपको मतलब मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोलना ही भूल गया था। मुझे मेरा क्रश मतलब कौन है आपको पता है क्या? मेरा क्रश फोटोग्राफी और सेकंड म्यूज़िक है। तो ये बताना रह गया था, सिर्फ इसलिए मैंने रात के 2 बजे सब सोए हुए लाइट ऑन किया और वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस इसीलिए बोल रहा हूँ, 2 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ लैपटॉप पे। और मेरा कैमरा कहाँ पे? प्रॉब्ली मम्मी पापा के रूम पे रह गया, इसीलिए मैं अभी ये कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन से शूटिंग कर रहा हूँ। और तभी कैमरा क्लैरिटी बहुत अच्छी है, मेरे कैमरा का मतलब मेरे फ़ोन का नाम है वीवो V11 Pro। इसलिए गाइस इतना ही बोलना था, मेरे क्रश है मतलब रात के टाइम में पूरा मतलब क्या होता है ना ऐसा, तो ऐसा हो गया। इसलिए मैं गाइस प्लीज़ आप मुझे समझ लेना, मदद करना है, बंटा है हटेला है, समझा है लाला। तो पैसे कमाने के पीछे था पागल, टिकटॉक सॉरी टिकटॉक ने टिकटॉक का नाम ने बैन, टिकटॉक बैन इज यूट्यूब को हमने संभाला 2 बजे। ओके गाइस, तो यही। तो हाँ, आपने मेरी फोटोग्राफी देख ली है, तो प्रोबेबली मुझे नहीं पता कैमरा में ये आने वाला है कि नहीं। तो भी मेरी हैंडराइटिंग कैसे, ये बताओ। ये मेरी फ्रेंड की बुक है, ये मेरी बुक है, तो आप हैंडराइटिंग बताओ। आपको लगेंगे प्रिंटेड ही नहीं थी मेरी हैंडराइटिंग है, मालूम है क्या आपको? और हाँ, मैं गाने बजा सकते हो। ओके, आपके लाइफ में सोच के देखो, आपके लाइफ में दो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तो क्या छोड़ोगे? मैं तो खाना पीना छोड़ूंगा, लेकिन फ़ोन और मतलब फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं। एनी टाइम मतलब मुझे जब फ्री फ्री मतलब रात को 2-3 बजे तक मैं फ़ोन में रहता हूँ, क्यों पता नहीं। चलो लिखते हैं। तो आपने मेरी हैंड राइटिंग देख ली, मेरी फ़ोटोग्राफी देख ली, तो आप तक तो किसने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, ये बताओ। और कॉलेज वाले तो खुल के मारने वाले अपने। मैं बेसिकली अब 11th में हूँ, 11th के पेपर हो गए, लेकिन अभी तक मैंने प्रैक्टिकल सबमिट नहीं किया है। तो कॉलेज वालों के फ़ोन आ रहे हैं, कुणाल बेटा कॉलेज हमारा बंद होने वाला है, तो तेरे प्रैक्टिकल दे जा बेटा, मालूम है क्या तेरे को? प्रैक्टिकल दे जा, नहीं तो 11th में फेल कर दूंगा तेरे को। तो इसीलिए प्रैक्टिकल मतलब मूड होता भी नहीं है तो भी करना पड़ रहा है। तो आप मेरे हैंड राइटिंग देख लिए, फोटोग्राफी देख लिए, आई एम म्यूजिक लवर। ओके, आई एम म्यूजिक लवर। तो क्या बता रहा था, मेरे पापा डांट रहे, क्या कर रहा है वीडियो? तो एंगल चेंज करके बात करते हैं। हाँ तो हाँ, बस इतना ही बोलना था कि बहुत बोरिंग वीडियो था मुझे पता है, लेकिन क्या बोलते हो, आपको वीडियो बनाना है, यूट्यूब पे आना है, पैसे कमा, पैसे नहीं सर, सर पैसे नहीं कमाने का है, वीडियो बनाने का है, यूट्यूब पे आने का है, और क्या करने का मन में क्या है, फेम भी नहीं बनने का है, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, मालूम है क्या? लेकिन बनाना है भाई यार, यूट्यूब वीडियो बनाने का है, इसीलिए बहुत लोग देखते हैं आप उनका वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक भी नहीं करते कोई, और कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते, कमेंट के नीचे ऑप्शन में जाते ही नहीं कोई।
लिख के ले लो। और मतलब वॉच टाइम बढ़ रहा है मेरा, वॉच टाइम बढ़ रहा है इसलिए थोड़े से खुशी में। तो मैं क्या बोल रहे हो, मेरे पापा आके डांटेंगे मेरे को, पापा आके डांटेंगे मेरे को। उससे पहले क्या करते हैं अपन मालूम है क्या, लिखते लिखते बात करते हैं, चलेगा? नहीं तो कैमरा चेंज कर रहा हूँ, चल। बस इतना ही बोलना था, और मेरा मतलब वो वादा किया, वो जो वीडियो आने वाला था वो आपको बोला था, वो कुछ शॉर्ट आप देख सकते हो। दिखाइए हमारे कैमरे में शॉर्ट दिखे, एडिटिंग मास्टर दिखे, तो आप देखिए। बोल रहा हूँ अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को नहीं का ऐसे टच कर देना, वो मेरा नया वीडियो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा, समझे समझे? तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, सबसे पहले मुझे टू बी ऑनेस्ट सच में बता रहा हूँ, मुझे लगा नहीं था व्लॉगिंग में देखेंगे, लेकिन कम से कम मेरे 16 व्यूअर्स तो भी होते हैं एक वीडियो के कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को नहीं पता, ये वीडियो एडिटिंग होने के बाद अपलोड होगा, लेकिन अच्छे खासे इतने पता है। तो ज़्यादा एम बी ना खाते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने पूछा था आपको इसके बाद वाला वीडियो कौन सा चाहिए, तो मुझे सबसे पहले एक डीएम किया था, डीएम सॉरी क्या बोला था, कमेंट किया था कि एक मिनट का पानीपुरी चैलेंज, तो बोला देख लेते पानीपुरी चैलेंज। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, यूट्यूब पर वीडियो देखे, तो कुछ 25 पानीपुरी खा सके एक मिनट में, और वो भी तेज। तो इसके बाद का वीडियो डेफिनेटली पानीपुरी का आने वाला है जो एक मिनट में होगा, तो देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ बाय। और आज का वीडियो बहुत बोर था इसलिए दिन पे मत लेने का, ओके हैप्पी बर्थडे। और मैंने ये नाइट का चल रहा है इसलिए, तो हाँ कैमरा में नहीं। और हाँ भाई सॉरी, और हाँ भाई एक बात बताना ही भूल गया, मेरे क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिकल तो देखो, प्रैक्टिकल की बुक तो देखो, बिना जाएगी कैसे। एक सॉरी ये मेरी फ्रेंड की, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ।